पहले अगर हमें करंट डेट चाहिए तो कंट्रोल सेमी कॉलन से हमारी करंट डेट आती है, कंट्रोल शिफ्ट सेमी कॉलन से करंट टाइम आता है। फॉर्मूले में टुडे से आप करंट डेट ले सकते हैं और नाउ से आप करंट डेट एंड टाइम। अब जैसे ये डेट आपको दिख रही है, इसमें करंट डेट आ रही है, इसमें 12/13/2013 इस तरह से दिखा रहा है, DD MM DD YYY के फॉर्मेट में दिखा रहा है। आपको अगर इसको जनरल फॉर्मेट में, नॉर्मल फॉर्मेट में लाना है तो एक हम कंट्रोल शिफ्ट 3 दबाते हैं ताकि डेट थोड़ी समझने लायक हो जाती है, ठीक है जी। या फिर आप नंबर फॉर्मेटिंग में जाके, कस्टम में जाके इस तरह से लिख सकते हैं, DD MMM YY, तो ये आपका ये फॉर्मेट होता है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर हम इसको जनरल फॉर्मेट में करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट टिल्ड का साइन दबाते हैं 1 से पहले, सेम नंबर है ये, नंबर के बारे में मैंने अपनी शुरुआती क्लास में बताया था, इन सब को मैं उठा के, इन दोनों को, इन सब को उठा के मैं पेस्ट एज वैल्यूज कर देता हूँ नीचे, यानी कि जनरल फॉर्मेट में आ जाएगी, कोई भी फॉर्मेटिंग इस पे अप्लाई नहीं होगी। अब यहाँ पे ये नंबर दिखा रहा है, ये था हमारा खाली टाइम, पीछे डेसिमल के पीछे की वैल्यू, ये डेट प्लस टाइम, ये नंबर भी आ गया और डेसिमल वैल्यू भी एडेड है, ठीक है जी। इसमें क्या होता है कि हमारा, अगर हम एक नंबर डालते हैं और इसको कंट्रोल शिफ्ट 3 से बदल देते हैं, क्या दिखा रहा है, 1 जनवरी 1990, वहां से लेकर अब तक की डेट में जितनी भी कैलकुलेशन होगी, 1 2 3, 365 के बाद 367 हुआ होगा जब ये, मैं इसमें डालता हूँ 366 डालता हूँ, 31 दिसंबर डाल रहा, 367, 1 जनवरी 1901। इसी तरह से जब जब साल ये बदलता हुआ आया, अब तक कितने हो गए, वो नंबर आपको यहाँ दिखा रहा है। ठीक है जी। इसी तरह से आपका जो होता है पॉइंट डेसिमल के बाद की वैल्यू जो होती है, वो हमारा टाइम का काम करती है। इसको देखने के लिए जैसे मैं 00 00 01, ये मेरी एक डेट हो गई, टाइम हो गया, इस टाइम को पेस्ट एज वैल्यू करता हूँ, डेसिमल में जो आ रहा है यहाँ पे नहीं दिखा रहा, पर ये है यहाँ से स्टार्टिंग वैल्यू, यानी मैं इसको यहाँ से वन करके देखूं, कुल मिला के इसकी कैलकुलेशन खैर हम नहीं कर सकते क्या है, पर एक जस्ट समझाने के लिए कि जो हमारे डेट बढ़ती चली गई तो ये नंबर ऐड होते चले गए, इसके पास साथ जो टाइम बढ़ता गया वो इस तरह से होता चला गया, पॉइंट के बाद की जो वैल्यू थी वो टाइम के लिए, जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं। अब मुझे डेट में से टाइम निकालना है तो क्या करना है, मुझे ये नाउ में से माइनस, अगर मैं ये कर दूं तो मेरे पास ये बचा हुआ टाइम होता है, ये वैल्यू, ठीक है जी। कंट्रोल शिफ्ट 2 टाइम फॉर्मेट है, ठीक है जी। सर ये बहुत कंफ्यूजिंग है।
नहीं कंफ्यूजिंग नहीं है, ये मैं खाली समझा रहा हूँ ताकि आपको कैलकुलेशन, अच्छा हाँ मैं करने के लिए नहीं कह रहा ये, मैं सिर्फ समझाने के लिए दिखा रहा हूँ कि अच्छा एक्सेल जो है इस तरह से वैल्यू को मतलब पढ़ता है, रीड करता है, उसकी खुद की एल्गोरिदम है इसके ऊपर, हमें वो जानने की और नहीं, जरूरत मैं नहीं। ये हाँ सोच रहा, हाँ नहीं मैं ये सोच रहा था कि इसका हमारा यूज कहाँ पे होगा, मतलब वैसे तो आप बता रहे हैं कि, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आपको एक आइडिया आ जाए, राइट। हाँ जी, हाँ जी, बस मैं आइडिया के लिए ही बता रहा हूँ कि ये अपने पास कैलकुलेशन के लिए क्या करता है, क्या लगाता है। अब ये नंबर कितना हो इससे हमें डेट नहीं आइडेंटिफाई करनी, पर सपोज आपको करनी भी है तो हमारे पास मेरे ख्याल से डेट वैल्यू करके फॉर्मूला, वैसे इसका कोई यूज नहीं है आपके पास, तो ये स्ट्रिंग में वैल्यू लेता है कोई भी डेट, जैसे मेरे को 10 जनवरी 2013 इसकी डेट वैल्यू क्या है ये जानना है, ये टेक्स्ट में देंगे तो ये उसका नंबर दिखा देगा हमें। हम जनरल फॉर्मेट में भी करके जान सकते हैं तो इसकी जरूरत नहीं है, डेट को वैसे ही डाल के कंट्रोल शिफ्ट टिल्ड साइन दबाएंगे तब भी बता देगा, या फिर स्टेज वैल्यूज कर लेंगे तो बता देगा। ये नंबर फॉर्मेटिंग है जो इसको कैलकुलेट करके एज अ डेट की तरह दिखाती है। ठीक है जी, अब चलते हैं क्योंकि सर हम जब भी काम, डेट। सर आप चलिए प्लीज। तो अब इसमें ना, अब डेट की कैलकुलेशन की बारी आती है, कई बार बहुत कंफ्यूजिंग होता है कि हम डेट की कैलकुलेशन कैसे करेंगे, क्या है। अब देखो स्टार्ट करते हैं, पहली चीज हम किसी भी डेट में अपना प्लस माइनस कर सकते हैं जो कायदे से लिखी हो डेट फॉर्मेट में हो। ठीक है, जैसे आज की डेट है 12, नहीं 13 दिसंबर 2013, अगर इसमें मैं 5 दिन ऐड करने हूँ तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट प्लस कर सकते हैं। ठीक है जी, अब दूसरा सवाल आता है कि हमें मंथ ऐड करने हैं, ईयर भी ऐड करने पड़ सकते हैं, तो ये कैसे करेंगे हम। डेट तो मैंने बता दिया, सिंपल प्लस माइनस है, मंथ ऐड करना है, 1 महीना ऐड करना है या 2 महीना ऐड करना है। यहाँ पे मैं इनका अब डेज हम इस तरह से हमने ऐड कर लिया, मंथ के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है ई डेट का, स्टार्ट डेट कॉमा अगला जो है मंथ बोल रहा है, हमने कहा यहाँ से मंथ उठा लो आप जितने ऐड करने, जनरल फॉर्मेट में कर देता हूँ ताकि इसको दिक्कत ना, समझने में दिक्कत ना हो, और इसको अपने डेट फॉर्मेट में कर देता हूँ। तो मैंने 13 दिसंबर में 2 महीने ऐड किए, जनवरी फरवरी। ठीक है जी, ई डेट के फॉर्मूले के थ्रू हम लोग ऐड कर सकते हैं। ईयर के लिए हमारे पास ऐसा कुछ है नहीं अवेलेबल, तो इन सब की हमें जरूरत नहीं है। हमारे पास सीधे सीधे किसी चीज से निकालने के यहाँ पे फॉर्मूला है, मंथ अगर हमने इसमें डाल दिया, ये पहले डेज डालते हैं, डेज डे मंथ, ये तीन फॉर्मूले हमारे पास जिससे सेपरेट वैल्यूज निकाली जा सकती हैं। ईयर तीनों की सेपरेट वैल्यू निकल गई, कंबाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है डेट का, जिसमें ईयर मंथ डे की एंट्री ले रहा है, ये हो गया ईयर कॉमा मंथ कॉमा डे, तीन अलग अलग वैल्यू हो गई, कंट्रोल शिफ्ट 3। अभी जो कैलकुलेशन करनी है, अब जैसे मुझे 2 ईयर 2 ईयर इसमें प्लस करने हैं, तो ये जो ईयर की वैल्यू है यहाँ पे मैं +2 कर दूंगा,
आ गया। मंथ की वैल्यू में अगर मुझे कुछ प्लस करना है, +3 कर दिया मैंने। डे की वैल्यू में 5 जोड़ दिए। इस तरह से हम डेट में जमा घटा कर सकते हैं। ये चीज क्लियर है? हाँ जी सर, ये चीजें क्लियर हैं जो मैंने अभी बताई, इसमें कोई कंफ्यूजन? हाँ जी, शिखा जी, ये क्लियर है आपको जो मैंने अभी बताया? हाँ जी क्लियर है। हाँ जी, ठीक है। सेम इसी तरह इसी पैटर्न पे हमारा टाइम चलता है। कोई भी हम टाइम ले लेते हैं। टाइम में क्या क्या होते हैं हमारे? और मिनट, सेकंड, यही टाइम ले लेते हैं। उसमें हम आर के जरिए निकाल सकते हैं। मिनट के जरिए मिनट निकाल सकते हैं। उसको जनरल फॉर्मेट में कर देते हैं। मिन मिन मिनिमम निकाल दिया उसने, मिनट का ये रहा फॉर्मूला। और सेकंड के जरिए सेकंड निकाल सकते हैं। इसको मैं ऐसे फॉर्मेट में कर लेता हूँ जिसमें मेरे सेकंड भी दिखाए मुझे। 13, 30, 55, ठीक है जी। अब इसमें प्लस माइनस करना है, एक साथ करना है मुझे, तो टाइम का फॉर्मूला है मेरे पास, ठीक है जी। आर मिनट सेकेंड, इसमें भी इसी तरह से हमने इसमें 2 घंटे जोड़ने हैं। आर में +2 करके जोड़ सकते हैं। मिनट में 10 मिनट जोड़ने हैं। यहाँ में सेकंड जोड़ने हैं, ठीक है जी। इसको भी मैं सेकंड वाले फॉर्मेट में कर लेता हूँ। यहाँ पे हमारे पास दो फॉर्मेट है। टाइम का फॉर्मेट मैं दोबारा दिखाना चाहूंगा। इसमें एक तो AM PM वाला है, एक ऐसा है आपका 24 में काउंट करता है, 1 से लेकर 24 तक वैल्यू होती है आर की। एक है हमारे पास ये 30, 55 और 37, 30 का जो फॉर्मेट है, वो तब काम आता है जब हमारे हमको टाइम कैलकुलेशन करनी होती है। मतलब अगर ये मैं इसमें क्या करता हूँ, 2 घंटे मैंने यहाँ पे 7 घंटे जोड़ दिए, तो ये घूम फिर के यहीं आ जाएगा, 4 दिखा रहा है। और जबकि दिखाना कितना चाहिए, 37 बाय 30, 55 के मैं करता हूँ, ये क्या हो गया, बत्तीस तीस, 0, 32, 30, नहीं, 7 घंटे मैंने किस में जोड़े हैं? हार में, आर में 21, 7, 4,
ओके ओके ओके, ये करंट टाइम से ऐसे नहीं लेगा, पर कैलकुलेशन के समय हमें वो फॉर्मेट रखना पड़ेगा। जैसे किसी दो डेट दो टाइम को माइनस कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे एक टाइम स्टैम्प ये हो गई, एक टाइम स्टैम्प ये हो गई, इसमें मैं 24 घंटे का अंतर डाल देता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 13 की बजाय 10 कर देता हूँ या ज्यादा, ताकि टाइम डिफरेंस देख पाऊँ। ये क्या करना है, मैक्सिमम में से मिनिमम माइनस कर देना है। तीस का फॉर्मेट 72 घंटे, ठीक है जी। तो ये 37/30 का जो फॉर्मेट है, ये कैलकुलेशन में कभी भविष्य में इस तरह की जरूरत पड़े, कहीं और कंपनी में जाए जहां ओवर टाइम कैलकुलेट करना हो कि 8 घंटे ड्यूटी है, बाकी उसके बाद जितने घंटे लगाए वो कितने थे, इस तरह से एंट्री की इस तरह की इंफॉर्मेशन आपको वहीं से मिल जाएगी कि इतने तारीख को आया था इतने बजे और इतने तारीख को आउट हुआ है, तो 8 घंटे बाद उसका ओवर टाइम बनाना है या एक स्पेसिफिक टाइम के बाद। तो वो प्लस माइनस इस तरह की कैलकुलेशन के लिए आपका ये फॉर्मेट यूज होगा। अब कोई डेट है हमारे पास, 1 दिसंबर ले लेते हैं, 13। यहाँ पे ले लेते हैं 10 दिसंबर 2013, नेटवर्क डेज स्टार्ट डेट हमारी है वो। एंड डेट, इसमें जितने वर्किंग डेज होते हैं ये आपको कैलकुलेट करके बता देगा, स्किप्ड बाय सैटरडे संडे हॉलीडे हॉलीडे का ऑप्शन है। जैसे 1 से 10 के बीच जितने सैटरडे संडे हुए इसने रिमूव कर दिया, और उसके बाद बता रहा है ये इतने आपके वर्किंग डेज थे। अब इसमें सैटरडे संडे या ऑफ में लेता है, यहाँ पे हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि मतलब हम, कई जगह क्या होता है संडे ही ऑफ रहता है या कोई और डे ऑफ रहता है, उस टाइम पे वर्किंग डे से कैलकुलेट करें। तो उसके लिए आपके पास ऑप्शन जो है अवेलेबल है वो 2010 में अवेलेबल है। यहाँ पे आपका नेट ये फंक्शन है, नेटवर्क डे डॉट इंटरनेशनल स्टार्ट डेट एंड डेट। अब यहाँ पे आपके वीकेंड्स कौन कौन से हैं, सैटरडे संडे, संडे मंडे हैं, मंडे ट्यूसडे, जो भी संडे ओनली है, मंडे ओनली है, या है इस तरह से ऑप्शन है। अब जिस जो है जैसे संडे ओनली इसको चूज कर लिया हमने। अब वर्किंग डेज कितने हैं ये आपको यहाँ दिखा देंगे, ठीक है जी। इसी का उल्टा है आपका वर्क डे, मतलब इतने दिन के बाद कौन सा वर्किंग डे आएगा। जैसे इसमें अगर मैं ये प्लस कर दूं, प्लस क्या कॉमा से हमें वैल्यू देनी है, कंट्रोल शिफ्ट 3, करेक्ट है। नेटवर्क डे दोनों में डिफरेंस निकालने के लिए वर्क डे उसमें ऐड करके, जैसे 10 दिन बाद कौन सा वर्किंग डे, 10 वर्किंग डे बाद कौन सा दिन पड़ेगा, वर्क डे फंक्शन उसमें यूज होता है।
दूसरा जैसे आप सरकारी फॉर्म भरते हैं कोई, उसमें क्या होता है कि इस तारीख को आप कितने साल के, कितने दिन के और कितने कितने साल के, कितने महीने के और कितने दिन के हो गए, ऐसी भी कैलकुलेशन आती है। अब उसमें हमारे पास एक फंक्शन है जो कि आपको एक्सेल के यहाँ फंक्शंस में नहीं दिखाएगा, यहाँ के डेट टाइम फंक्शन में वो चीज आपको नहीं दिखाएगा। ये है हमारा डे टू डे। ठीक है जी। आप जैसे एक किसी का बर्थडे ले लेते हैं, अब इसमें डे टू डे लगाते हैं, स्टार्ट डेट हो गई हमारी। इसमें तीन पैरामीटर होते हैं, स्टार्ट डेट, एंड डेट में वो डेट, मतलब जो जैसे मैं आज तक जानना चाहता हूँ कि ये बंदा कितने साल, कितने महीने, कितने दिन का हो गया। टुडे का फंक्शन डाल देता हूँ, टुडे का। और नेक्स्ट पैरामीटर है मेरा इसमें मैं डालूंगा ईयर, वाई 28 साल कंप्लीटेड। दूसरा पैरामीटर है एम, चलो तीन सौ अट्ठासी महीने, टोटल महीने, इतने महीने कंप्लीट हो गए। डेज देखना है उसके लिए डी है। ये टेक्स्ट में एंट्री जाएगी आपकी, 10,314 दिन। ये तो हो गई टोटल टोटल डेज। और हमारे पास क्या है इसमें, MD मतलब मंथ टू डेट, महीने कंप्लीट हो गए, मंथ से कितने दिन, महीना पूरा होने के बाद आज तक 27 दिन। YD ईयर टू डेट, 1 जनवरी 2013 के बाद कितने दिन हुए वो गिन के बता देगा, मतलब वो टुडे में और उसमें ईयर कंप्लीशन के बाद के दिन, जैसे 17 सितंबर 2013 के बाद के दिन। YM ईयर टू मंथ, मतलब इसके बाद कितने महीने हो गए, 2 महीने हो गए। तो सबसे पहले मेरी क्वेरी थी ये बंदा आज की डेट में, आज की डेट डाल देता हूँ, तो सबसे पहले मैं निकालना है ईयर, मंथ और डे। ईयर कंप्लीटेड के लिए मैंने बताया डेटेड इफ, स्टार्ट डेट, एंड डेट वाई, 28 साल पूरे हो गए। मंथ के लिए मैंने बताया एम था कंप्लीटेड मंथ के लिए, वाई एम है ईयर टू मंथ, डेटेड इफ, स्टार्ट डेट, एंड डेट वाई एम, 28 साल 2 महीने। अब दिन के लिए क्या था, महीने से हमें काउंट करना है दिन, एम टी, डेटेड इफ, स्टार्ट डेट
एंड डेट और एमडी। ठीक है, ठीक है जी। तो ये 13 दिसंबर तक कितना पूरा हो गया वो ये दिखा रहा है, चेक कर लेते हैं। मैं 18 सितंबर 2013 तक डालता हूँ, ठीक है। 28 साल 0 महीना, 1 सितंबर के बाद यहाँ पे मैं अक्टूबर कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे कुछ फॉर्मूले थे डेट से रिलेटेड। एक है हमारे पास, किसी महीने की लास्ट डेट कौन सी है, ये कैसे निकालेंगे। हमारे पास ईओ मंथ है एक, इसका मतलब है एंड ऑफ मंथ। यहाँ से उसी महीने का लास्ट निकालना है तो आप 0 डालेंगे, 1 महीने बाद का तो 1 2 3, इस तरह से आप कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट 3, सपोज यहाँ कोई और डेट होती, फर्स्ट फेब 13 या कोई भी डेट होती, तो ये लास्ट डेट हमें दे देता है। ठीक है जी। दूसरा हमारे पास टेक ऑन द नेट में, मैंने आप लोगों को एक बार साइट बताई थी, यहाँ पे आपके डेट टाइम के फंक्शन है, जो आपके पास रेडी रेफरेंस में है, कभी भी किसी भी डेट इफ का भी है इसमें कंफ्यूजन हो तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। स्टार्ट डेट एंड डेट इंटरवल, ये था वाई द नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर, एम द कंप्लीटेड मंथ, डी द नंबर ऑफ डेज, एम डी डिफरेंस बिटवीन द डेज, मंथ एंड ईयर आर इग्नोर्ड। इसी तरह से इसमें डिस्क्रिप्शन दे रखे हैं कौन सी इन 3 वैल्यू में से क्या क्या रिजल्ट आएगा, क्या क्या आएगा, आपको यहाँ थोड़ा सा रेफरेंस मिल जाता है। अब रही बात थोड़ा सा एक्सेल को ही थोड़ा सा वो करते हैं। अब जैसे यहाँ पे आपको दिखा रहा है 12/13/2013, यहाँ पे नीचे आप इसको चेंज करना चाहते हैं, जैसे हम लोग, ये तो बाहर का फॉर्मेट है कि आपका ये इनका बाहर का फॉर्मेट क्या है, एम डी डी वाई वाई। अगर आपको इसको अपने एक्सेल में इस फॉर्मेट को चेंज करना हो कंप्यूटर में, तो सबसे पहले कंप्यूटर को मतलब अपने सिस्टम में चेंज करना पड़ता है, उसके बाद ही इसके रिलेटेड एप्लीकेशंस में होता है। क्योंकि अभी मैं कोई भी डेट डालता हूँ, 10 दिसंबर ऐसे करके डालता हूँ, 10/12/13, तो इसने क्या किया, अक्टूबर की डेट बना दी है। इसको अगर मुझे चेंज करना है तो मैं इधर अपने कंट्रोल पैनल में जाऊंगा, यहाँ पे है रीजनल, रीजन एंड लैंग्वेज करके है, एडिशनल सेटिंग डेट, यहाँ पे जो है हम वो फॉर्मेट सेलेक्ट कर लेंगे। ये MDYY है, हम DDMMYY का सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अप्लाई,
अप्लाई। हमारे यहाँ पे देखिए डेट चेंज हो गई, 13 दिसंबर 13 दिखाना शुरू होगा। और अब हम एक्सेल में डेट डालते हैं उसी तरह से, 10 12 13, कंट्रोल शिफ्ट 3। अब करेक्ट पड़ रही है। तो इस तरह से हम सिस्टम की डेट चेंज कर पाते हैं, कर सकते हैं। हालांकि इसको ज़्यादा छेड़ना वो ठीक नहीं है, पर आपको मैंने ऑप्शन बता दिए कि हम इस तरह से भी कर सकते हैं। मैं इसको वापस वैसा कर देता हूँ जैसा था ये। ठीक है जी। अब क्या होता है कई बार एंट्री, अब एरर को रिमूव करना सिखाता हूँ। यहाँ तो डेट हो गई, आपको पता पड़ गया सही फॉर्मेट। कोई लिस्ट आपके पास ऐसी आ जाती है जहाँ डेट गड़बड़ हो, आपको पता पड़ गया कि ये डेट पड़ी हुई है। लोगों ने इस तरह से एंट्री कर रखी है, जिसने ये कर रखी है वहां वो दिसंबर करना चाहता था। इस तरह की कुछ एंट्री हो गई जहां वो दिसंबर करना चाहता था। तो इसके लिए हमारे पास क्या ऑप्शन है, हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, डेटा में जाएंगे, टेक्स्ट टू कॉलम है हमारे पास, नेक्स्ट नेक्स्ट। यहाँ से डेट जो है ना इसको चूज कर लीजिए, और यहाँ से DMY को चूज कर लीजिए, फिनिश कर दीजिए, आपकी डेट चेंज हो जाएगी यहाँ से। अगर इस तरह की कोई गड़बड़ी हो तो उसको इस तरह से ठीक किया जा सकता है। दूसरा, एंट्री फॉर्मेट्स हमारे कैसे कैसे होते हैं, कई जगह अकाउंट्स में इस तरह के चलते हैं। यहाँ से डेट डालते हैं, इनके लिए भी टेक्स्ट टू कॉलम, नेक्स्ट नेक्स्ट फिनिश, टेक्स्ट टू कॉलम नेक्स्ट, यहाँ डेट, DMY। हमें इसे बताना पड़ेगा कि पहली वाली डेट है, दूसरा वाला मंथ है। DMY फिनिश, कंट्रोल शिफ्ट 3, करेक्ट है। दूसरा, अगर कहीं इस तरह की गड़बड़ हो तो हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि यहाँ मतलब डेट गड़बड़ है हमारी, कोई लिस्ट आई आपके पास और इस तरह की एंट्री है। तो इसको जब भी आपकी डेट की एंट्री होगी आप फिल्टर लगा लेंगे। फिल्टर में क्या है, बाकी जो डेट आएंगी हमारी वो इस तरह से प्लस माइनस में आएंगी, जो सही वाली होंगी, और जो गड़बड़ वाली होंगी वो आपको यहाँ दिखाई देंगी, उसके आगे कोई प्लस माइनस नहीं लिखा होगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ से सही वाली डेट को छोड़ देना है, गलत वाली को उठा लेना है, और फिर वही प्रोसीजर करना है। DMY फिनिश, कंट्रोल शिफ्ट 3, ये हो गई हमारी करेक्ट। ठीक है जी, तो आपका पूरा डेट का फॉर्मेट सही हो जाएगा। ये सबसे इजीएस्ट वे है। शिखा जी क्लियर हुआ ये डेट का फंडा? ठीक है जी। डेट की तो जो आज की डेट की क्लास है वो मैंने मतलब पूरी दे दिए। और कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकती हैं। ठीक है जी। तो फिर हाँ मुझे जी पूछनी थी कि हाँ जी MIS के लिए आपके पास कोई रिज्यूमे होगा एज सैंपल समथिंग? MIS के लिए
कैसा वहां से निकाल लो, मतलब आप इधर से naukri.com से ही निकाल लो, timesjobnaukri.com ना, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ आपको वैसे ही बहुत सारे रिज्यूमे मिल जाएंगे, naukri.com।